सोनापुर गांव प्रीतमपुर गांव के नजदीक ही पड़ता था। प्रीतमपुर गांव जहां खुशहाल था, तो वहीं उस सोनापुर गांव में इस वक्त अकाल पड़ा हुआ था। सोनापुर गांव में सत्तू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। सत्तू को गांव के सभी लोग मनहूस कहा करते थे, मगर सत्तू अपने ऊपर लगे हुए मनहूसियत के दाग को वरदान समझता था। एक दिन सत्तू हमेशा की तरह दोपहर के वक्त बाहर टहलने के लिए निकला कि तभी उसकी नजर मुखिया पर पड़ी, जो कि इस वक्त लस्सी पी रहा था। राम राम मुखिया जी, अकेले अकेले ही लस्सी पी रहे हो? तभी मुखिया को तेज खांसी आ गई। तुझसे कितनी बार कहा है सत्तू कि मेरे सामने मत आया कर। अच्छा खासा मैं लस्सी पी रहा था, तेरा चेहरा देखते ही लस्सी मेरे गले में अटक गई। मैं तो आपका हाल चाल ले रहा था। एक तो वैसे ही गांव में 5 साल से बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा हुआ है, ऊपर से तेरे जैसा मनहूस इस गांव में रहता है। मुखिया की बात पर बगल में बैठा हुआ भीमा मुखिया से बोला, मुझे तो लगता है मुखिया जी कि ये सब अकाल सत्तू की मनहूसियत की वजह से ही पड़ा हुआ है, आप इसे बाहर क्यों नहीं निकाल देते? तुझे क्या लगता है भीमा, क्या मैंने इसे बाहर नहीं निकाला? मैं जब भी इसे बाहर निकालता हूँ रात में मेरे घर आ जाता है। एक बार जब ये मेरे घर आया तो मेरी बीवी किचन में खाना बना रही थी, उसका हाथ जल गया। दूसरी बार जब ये घर आया तो उसका पैर फिसल गया और मेरी पत्नी का पैर टूट गया। ऐसा कुछ नहीं है मुखिया जी, ये सब आपका वहम है। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे इस गांव से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। इतना कहकर मुखिया और वहां बैठे हुए लोगों ने सत्तू को गांव से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सत्तू गुस्से से जंगल की ओर चला गया और एक पेड़ के नीचे गुस्से से बड़बड़ाने लगा। गांव वाले पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। अभी तो मुखिया के सामने शेर बन रहे हैं, रात में जब इनके घर पर जाऊंगा तो सब भीगी बिल्ली बन जाएंगे। सत्तू ये बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। एक साधु बैठा हुआ उठने की कोशिश कर रहा था। देखता क्या है मूर्ख, हाथ पकड़कर मुझे ऊपर उठा। देखने में तो तुम हट्टे कट्टे लगते हो, लेकिन लगता है कि आलसी हो। मूर्ख, मेरी कमर लचक गई है, इसीलिए मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। जल्दी से मुझे खड़ा कर, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। सत्तू ने साधु का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। साधु अपनी कमर पकड़कर वहां से जाने लगा कि तभी उसका पैर मिट्टी पर पड़ गया और वो गिर गया। ये देखकर सत्तू हंसने लगा। साधु गुस्से से उठकर खड़ा होकर बोला, मूर्ख, मेरी मदद करने की बजाय मुझ पर हंस रहा है। मैं कोई मामूली साधु नहीं, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। अरे तुम मुझे क्या श्राप दोगे बाबा, मेरे ऊपर तो पहले ही मनहूसियत का दाग लगा हुआ है और सारे गांव वाले मुझे मनहूस कहते हैं, और तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी कमर लचक गई है, तुम तो खड़े हो गए। सत्तू की बात सुनकर साधु खुशी से हंसने लगा। पिछले 5 साल से मेरी कमर लचकी हुई थी, मेरा चलना फिरना हराम हो गया था, तुम्हारी वजह से मेरी कमर सही हो गई। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर मनहूसियत का लगा हुआ दाग हट जाएगा। ना बाबा ना, ये वरदान दे रहे हो या श्राप? मनहूसियत के कई फायदे हैं बाबा, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, मुफ्त का खाना मिल जाता है। मूर्ख, मनहूसियत कोई वरदान नहीं श्राप होता है। तूने मेरी मदद की है तो मैं भी तेरी मदद अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं किसी का उधार नहीं रखता। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक साधु के हाथ में एक चमकती हुई पगड़ी आ गई। साधु पगड़ी सत्तू के हाथों में थमा कर बोला, ये ले हीरे की पगड़ी। ये आपने बहुत अच्छा काम किया बाबा, अब इस पर लगे हीरे को मैं बेच दूंगा और जीवन भर बैठ कर खाऊंगा। ऐसी गलती मत करना, ये कोई मामूली पगड़ी नहीं है और इसके अंदर हीरा चमत्कारी हीरा है। इस पगड़ी से ये हीरा निकलते ही ये गायब हो जाएगा। इस पगड़ी को पहनकर तू कहीं भी जाएगा तो वो गांव खुशहाल हो जाएगा, और फिर लोग तेरी मनहूसियत की वजह से सेवा नहीं करेंगे, बल्कि तुझे प्यार करेंगे और बहुत जल्द तेरी शादी गांव की सबसे सुंदर स्त्री से करवा देंगे। उस साधु बाबा की बात सुनकर सत्तू खुश हो गया और वहां से चला गया। गांव की सीमा पर मुखिया भीमा के साथ बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर सत्तू पर पड़ी।
सत्तू को देखते ही मुखिया की आंखों में क्रोध झलकने लगा। सत्तू ने जैसे ही कदम गांव की सीमा पर रखा कि अचानक काली घटा छा गई और देखते ही देखते बारिश होने लगी। ये देखकर मुखिया खुशी से झूम उठा और बोला, लगता है तो गांव में कोई चमत्कारी बनकर आया है, पिछले 5 साल से बारिश नहीं हुई थी। तभी मुखिया की नजर सत्तू की पगड़ी पर पड़ी। ये पगड़ी कैसी है सत्तू, इस पर तो हीरा चमक रहा है। एक चमत्कारी पगड़ी है मुखिया जी, अब गांव में खुशहाली ही खुशहाली होगी। मगर याद रखना, रोज 3 टाइम का खाना मेरे घर आ जाना चाहिए और बहुत जल्द गांव की सबसे सुंदर स्त्री से मेरा विवाह हो जाना चाहिए। इतना कहकर सत्तू अकड़ता हुआ वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद सोनापुर गांव में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। वहाँ की फसल बहुत अच्छी होने लगी। सोनापुर गांव के सारे इलाके देखते ही देखते मशहूर हो गए और यही बात प्रीतमपुर गांव के मुखिया चंदन को पसंद नहीं आई। वो गुस्से से अपने साथी कालिया से बोला, कुछ समय पहले ये सोनापुर वाले प्रीतमपुर में आकर अनाज के लिए भीख मांगा करते थे, पर ये तो हकीकत में सोने का ही गांव बन गया। मैंने पता किया है कि वहाँ पर सत्तू नाम का एक मनहूस रहता था। कुछ दिनों पहले वो जंगल गया और उसके आने के बाद से ये सब कुछ शुरू हुआ है। कहते हैं कि उसके पास पगड़ी है, सब कुछ उसी का कमाल है। तो फिर देखते क्या हो, उस पगड़ी को चुरा कर ले आओ। अगले दिन कालिया कुछ साथियों को लेकर चुपके से पगड़ी चुरा लाया और मुखिया के हाथों में थमा दी। चंदन उस पगड़ी को देखता हुआ बोला, अब देखते ही देखते हमारे गांव में और खुशहाली बढ़ जाएगी और सोनापुर वाले हमसे फिर भीख मांगेंगे। अब तुम जाओ कालिया। कालिया के जाने के बाद अचानक चंदन की नजर पगड़ी पर लगे हीरे पर पड़ी। हीरे को देखकर उसके दिल में लालच आ गया। उसने उस पगड़ी से हीरा निकाल लिया। मगर उस दिन के बाद देखते ही देखते प्रीतमपुर गांव में अकाल पड़ गया और वहां के लोग भूखों मरने लगे। ये देखकर चंदन गुस्से से आग बबूला होकर कालिया से बोला, तू तो कह रहा था कि इस पगड़ी की वजह से वहाँ खुशहाली आई है, मगर हमारे गांव में तो लोग भूख से मर रहे हैं। शायद उन सबने हमें बेवकूफ बनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें हमारे इरादे की पहले से ही भनक लग गई हो। जैसा भी हो, अब सोनापुर गांव को सबक सिखाना ही होगा, चलो मेरे साथ। इतना कहकर चंदन अपने साथियों के साथ सोनापुर गांव चला गया। चंदन के हाथों में पगड़ी देखकर मुखिया गुस्से से आग बबूला होकर बोला, तो ये पगड़ी तुमने चुराई थी और हम सत्तू के ऊपर शक कर रहे थे। हाँ, ये पगड़ी मैंने ही चुरवाई थी, ये सोचकर कि हमारा गांव और खुशहाल हो जाएगा, मगर हमारे गांव में तो लोग भूख से मर रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच भयंकर झगड़ा होने लगा। तभी वहाँ पर वही साधु प्रकट हो गया। साधु को देखकर चंदन बुरी तरह से डर गया। साधु ने पगड़ी चंदन के हाथों से छीन ली। इसके अंदर का हीरा कहाँ है? कौन सा हीरा? तुम एक लालची मुखिया हो चंदन, तुम्हें शायद नहीं पता कि इस पगड़ी के अंदर जो हीरा लगा हुआ था वो एक चमत्कारिक हीरा था। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक देखते ही देखते हीरा पगड़ी के अंदर आ गया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। इस पगड़ी की खासियत ये है कि इसे कोई भी चोरी कर ले तो ये उस गांव का सत्यानाश कर देती है। तुमने 2 गलतियाँ की, एक तो इस पगड़ी की चोरी की और दूसरा इसके अंदर रखे उस चमत्कारी हीरे को निकाल लिया। ये पगड़ी सत्तू की है और सत्तू की ही रहेगी। इतना कहकर साधु वहाँ से गायब हो गया। चंदन मुंह लटका कर वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से प्रीतमपुर वाले सोनापुर वालों से अनाज मांग कर खाने लगे और वो हीरे की पगड़ी आज भी सत्तू बहुत संभाल कर रखता है। एक समय की बात है, मनोहरपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था जहां मीना नाम की धोबिन रहती थी। मीना की 2 बेटियां थी, जयंती और बाला। जयंती, साबुन खत्म हो गया है, पंडित जी की दुकान से एक कपड़े धोने वाले साबुन की टिक्की ले आ। बाला, जा दुकान से साबुन की टिक्की ले आ। अंधी है क्या, दिख नहीं रहा? मैं खाना बना रही हूँ और माँ ने तुझे आवाज दी है, तू जाकर साबुन ले आ। मेरे बालों में मेहंदी लगी हुई है, आज मुझे बाजार जाना है,
मैं नहाने के बाद तैयार होने जा रही हूँ। बाजार तो मुझे भी जाना है। तुम दोनों लड़ना बंद करोगी या नहीं? आखिर बाला को ही उठकर दुकान जाना पड़ा। शाम को मीना अपनी दोनों बेटियों के साथ बाजार गई। जयंती एक चप्पलों की दुकान पर रुक गई। उसे दुकान में रखी गुलाबी रंग की चप्पलें बहुत पसंद आ गईं। माँ, मुझे वो चप्पल खरीदनी है। बेटी, इस समय मेरे पास पैसे नहीं है। तुम एक महीने का धैर्य रखो। दिवाली आने वाली है, ढेर सारे कपड़े धोने को मिलेंगे। फिर अगले महीने मैं तुम्हें चप्पलें दिला दूंगी। नहीं माँ, मुझे अभी खरीदना है, वरना मैं घर नहीं जाऊंगी। एक महीने रुकने में क्या जा रहा है जयंती? तुम चाहो तो मेरी चप्पल ले लेना। तेरी सड़ी हुई चप्पलें मैं नहीं पहनूंगी और ना ही महीने भर का इंतजार करूंगी। मुझे गुलाबी वाली चप्पलें अभी चाहिए। मीना की माँ ने दुकान वाले से पैसे उधार करके जयंती को चप्पलें दिला दी। बाला, जयंती चप्पल खरीद रही है तो एक जोड़ी तुम भी खरीद लो। नहीं माँ, मैं एक महीने बाद खरीद लूंगी। घर में नमक खत्म हो गया है, आप नमक खरीद लीजिए। काश जयंती भी तुम्हारी तरह धैर्यवान होती। समय बीतने के साथ मीना कपड़े धो धोकर कमजोर होती गई और मीना की दोनों बेटियां शादी के लायक हो गईं। मीना ने अपनी दोनों बेटियों की शादी तय कर दी। शादी से पहले मीना को भयानक बुखार आया और वो खटिया से उठ नहीं पाई। मीना ने जयंती और बाला को अपने पास बुलाया। बेटियों, तुम दोनों की शादी तक मैं जीवित नहीं रहूंगी। मैं तुम दोनों को शादी का तोहफा देना चाहती हूँ। मीना जयंती को एक बहुत सुंदर साड़ी और बाला को एक नमक का डिब्बा देकर मर गई। माँ ने मेरे लिए इतनी सुंदर साड़ी दी है और तेरे लिए एक नमक का डिब्बा? तू इसी लायक है। नमक ही सही, माँ ने दिया है इसलिए ये मेरे लिए बहुत कीमती है। कुछ दिनों बाद जयंती और बाला की शादी हो गई। दोनों के पति घर जमाई थे। घर के आधे आधे हिस्से में दोनों अलग अलग रहने लगी। एक दिन जब बाला अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे वही नमक का डिब्बा मिला जो उसकी माँ ने उसे दिया था। मैंने ये डिब्बा आज तक खोल कर ही नहीं देखा है, इसका थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कर लेती हूँ। जब बाला ने डिब्बा खोला तो डिब्बे में नमक के साथ एक पर्ची थी। ये साधारण नमक नहीं है बेटी, इस नमक को कढ़ाई या किसी बर्तन में डालकर बर्तन को अच्छे से ढक देना और फिर 5 मिनट मन में उस पकवान के बारे में सोचना जो तुम बनाना चाहती हो। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाओगी तो पकवान तुम्हें तैयार मिलेगा। एक बात का विशेष ध्यान रहे, ढक्कन 5 मिनट से पहले नहीं हटाना है। बाला ने अपनी माँ का जादुई नमक प्रयोग करके देखा। उसने कढ़ाई में चुटकी भर नमक डालकर कढ़ाई को थाली से ढक दिया और 5 मिनट तक छोले के बारे में सोचती रही। 5 मिनट बाद जब उसने थाली हटाई तो कढ़ाई में गर्मा गर्म छोले तैयार थे। बाला का पति मकान बनाने वाला मजदूर था। बाला ने अपने पति से कहा, आप मजदूरी छोड़िए और हलवाई बन जाइए। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मेरे पास माँ का जादुई नमक है। जादुई नमक की मदद से बाला का पति हलवाई बन गया और अच्छे पैसे कमाने लगा। बाला के घर से जब रोजाना स्वादिष्ट पकवानों की महक आती तो जयंती की जीभ ललचा जाती। बाला इतने अच्छे पकवान रोजाना कैसे बना रही है? एक दिन जयंती चुपचाप बाला के बाथरूम में जाकर छुप गई और उसने बाला को जादुई नमक का इस्तेमाल करते देख लिया। अच्छा, तो माँ ने तुम्हें जादुई नमक दे दिया और मुझे एक बेकार सी साड़ी पकड़ा दी। ये नमक कुछ दिन के लिए मैं ले जा रही हूँ। तुमने बहुत पकवान खा लिए, अब मुझे भी खा लेने दो। एक बात का विशेष ध्यान रखना जयंती, 5 मिनट से पहले ढक्कन मत हटा देना। जयंती जादुई नमक अपने घर ले आई और उसने भगोने में नमक डालकर भगोने को ढक दिया। जयंती गुलाब जामुन के बारे में सोचने लगी, लेकिन उससे 5 मिनट का धैर्य नहीं रखा गया। इतनी देर हो गई, अब तक तो गुलाब जामुन तैयार हो जाने चाहिए। जयंती ने 5 मिनट से पहले ही भगोने का ढक्कन हटा दिया। भगोने से एक भयानक नाग नागिन का जोड़ा निकला और उसने जयंती को डस लिया। कुछ देर बाद जयंती का पति जब घर आया तो वो जयंती को अस्पताल लेकर भागा। बड़ी मुश्किल से जयंती की जान बच पाई। माँ ठीक कहा करती थी बाला, काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसा धैर्य होता। माँ जानती थी कि मेरे अंदर धैर्य की कमी है, इसलिए माँ ने जादुई नमक मुझे नहीं दिया।
तुम ही इस नमक की सच्ची हकदार हो। विद्या और मनोज की शादी की सालगिरह थी। उनके शादी को 1 साल हो गए थे। आज के दिन तो कुछ अच्छा बना लेती, ये क्या फीका और बेस्वाद खाना परोसा है। इससे अच्छा तो मैं किसी होटल में जाके खाना खा लेता। मैंने बहुत कोशिश की है आज अच्छा खाना बनाने की। कोशिश ही करती रहोगी, कभी बनाओगी भी अच्छा खाना। जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। छोड़ो तुम विद्या, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। ऐसा मत कहिए प्लीज। दूसरी सुबह मनोज ऑफिस के लिए तैयार होते हुए विद्या को कहता है, आज टिफिन मत बनाना तुम, वैसे भी डस्टबिन में फेंक देता हूँ मैं तुम्हारा टिफिन। और आज तो प्रियंका और मैं बाहर जा रहे हैं खाना खाने। विद्या उदास होकर बैठी है। उसकी सास आकर उससे बात करती है। माँ जी मैं सच में कोशिश करती हूँ अच्छा खाना बनाने की, पर मनोज कभी भी मेरे खाने से खुश नहीं होता। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बहू, उसे क्या मालूम एक औरत को कितना सारा काम होता है। उसे तो लगता है औरत बस सुबह से शाम तक अच्छा खाना ही बनाती रहे। विद्या और उसकी सास खाना बनाने में लग जाते हैं। मनोज उस दिन ऑफिस से वापस नहीं आया। विद्या और उसकी सास मनोज का इंतजार करते हुए ही सो गए। मनोज दूसरी रात को आया। बेटा ऐसे बिना बताए तू कहाँ चला गया था? प्रियंका के साथ था, हमने डिनर बाहर ही कर लिया इसलिए मैं लेट हो गया। और मैं घर आऊं भी तो क्यों, खाना तो मैंने उसके साथ ही खा लिया था। मनोज कमरे में जाकर सो गया। विद्या किचन में बैठी रो रही है और उसकी सास भी आंखों में आंसू लेकर उसके पास आती है। बहू मुझे माफ कर दो, मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी कि ये लड़का ऐसा बेशरम और बदचलन बन गया। हे भगवान क्या करूं मैं इस लड़के का, ये हम दोनों का महत्व समझेगा। हे अन्नपूर्णा माता आप ही कोई आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति मेरे खाने से संतुष्ट हो जाएं और हमें छोड़कर कहीं और न जाएं। विद्या के चूल्हे के सामने एक मसाले का डब्बा प्रकट हो जाता है और चूल्हे से आवाज आती है, विद्या खाने में इस मसाले का एक चुटकी डालो और अन्नपूर्णा माँ का जादू देखो। विद्या और मनोज की माँ हाथ जोड़कर चूल्हे से जादुई मसाला ले लेते हैं। विद्या खुशी से खाना बनाती है और उसकी खुशबू से मनोज की माँ भी बहुत खुश हो जाती है। रात को मनोज बहुत लेट आया और आते ही बोला, मैं एक हफ्ते के लिए ऑफिस वालों के साथ एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, सुबह जल्दी निकलना है इसलिए अब मैं सो रहा हूँ। पर मनोज खाना? मैंने खा लिया है, मैं सुबह 5 बजे निकल जाऊंगा तो मुझे सुबह भी कुछ नहीं खाना। विद्या और मनोज की माँ उदास हो जाते हैं। उन्होंने सोचा था अब आखिरकार मनोज उनके हाथ का खाना खाकर खुश हो जाएगा। दूसरी सुबह इससे पहले कि विद्या और मनोज की माँ उठ पाते मनोज घर से निकल चुका था। अब उन्हें अपने जादुई मसाले का कमाल देखने के लिए 1 हफ्ते का इंतजार करना था। रात का बचा हुआ खाना विद्या ने अपने पड़ोसियों को थोड़ा थोड़ा दे दिया। विद्या ये कौन से होटल का खाना दिया है तुमने, मेरे बच्चे तो अपनी उंगलियां चाटते रह गए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तो इतना अच्छा खाना आज तक नहीं खाया विद्या बहन। ये कोई होटल नहीं, मेरे अपने हाथों से बना हुआ खाना है। मेरी मानो तो तुम एक होटल ही खोल लो, लोगों की लाइन लग जाएगी। बिल्कुल खोल लो एक होटल विद्या, गांव वाले चट कर जाएंगे तुम्हारा खाना। विद्या खुश होकर अपनी सास को सब बताने आती है। दोनों मुस्कुराते हुए बात करते हैं। अब विद्या जब भी खाना बनाती थी पूरा गांव उसकी खुशबू से मोहित हो जाता था। कितने लोग उसके घर खाना चखने आए और सब ने विद्या को यही बोला कि उसे एक होटल खोल लेना चाहिए। आखिरकार सास बहू ने सोचा कि घर के आगे एक छोटा सा ठेला खोल सकते हैं। उन्होंने 2 ही दिन में एक ठेला खोल लिया और उनके ठेले के आगे गांव वालों की लाइन लगी होती थी। माँ मनोज को गए हुए 1 हफ्ते हो गए, आज वो वापस आकर हमारे हाथ का खाना खाएंगे तो कितने खुश हो जाएंगे, मैं तो उनका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हाँ बेटी
मैं भी उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब मनोज घर आएगा और खाना खाकर तुम्हारी तारीफ करेगा। मनोज आता है और रोने लग जाता है। विद्या और मनोज की माँ उसे देखते रहते हैं। फिर मनोज थोड़ी देर में बात करना शुरू करता है। मुझे माफ कर दो विद्या, माँ मुझे माफ कर दो। क्या हुआ आपको? आप किस बात की माफी मांग रहे हो? बेटा क्या हो गया? माँ विद्या, मैं किसी बिजनेस ट्रिप पे नहीं बल्कि प्रियंका के साथ चुपके से शादी करने गया था। मैंने सोचा था कि उसके साथ एक हफ्ता रहूंगा, फिर हम दोनों कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। बेशरम, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? उस प्रियंका ने मुझे अच्छा खाना खिलाने के चक्कर में सुबह दोपहर शाम होटल से खाना मंगवा मंगवा के मेरा पूरा वॉलेट खाली कर दिया। मेरी तबीयत भी खराब हो गई, फिर भी उसने एक बार भी मुझे घर का खाना नहीं खिलाया। मैं उसके साथ 7 दिन रहकर बहुत पछता रहा हूँ। मुझे माफ कर दो विद्या। नहीं करेंगे हम तुम्हें माफ। तू क्या सोचता है, तू कुछ भी कर लेगा और हम चुपचाप तुझे माफ कर देंगे? विद्या बिना कुछ बोले बस रो रो कर दोनों की बातें सुन रही थी। थोड़ी देर में विद्या बोली, मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए मनोज, और तुमने इतनी आसानी से किसी और से शादी करने का सोच लिया। मैं फिर कभी तुम्हारे खाने की बुराई नहीं करूंगा विद्या, बस मुझे माफ कर दो इस बार। विद्या और मनोज की माँ ने मनोज को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया और जाते हुए मनोज अपने घर के आगे लगे खाने के ठेले पर लगी लाइन देखकर दंग रह गया। मनोज ने अपने घर के आगे लगी लाइन देख के खाना चखने का सोचा और वो खाना खाके दंग रह गया। ये खाना जो उसकी बीवी ने बनाया था वो हर होटल के खाने से अच्छा था। विद्या और उसकी सास मिलके जादुई मसाले की मदद से गांव के बड़े नामी होटल वाले बन गए और मनोज शहर में कहीं अकेले बैठ के अपनी किस्मत को कोसता रहा।